हेलो बच्चों, और सब कैसा? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। आज फिर से हमारा मैथ अभ्यास शुरू होगा। मैं कुंदन कुमार फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, नाउ आज हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि बच्चों आपको रेगुलर 5 या 6 डेज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, ओके? तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन भी किए और कंसेप्ट विथ थियोरेटिकल तो थे ही। अब आज के लेक्चर में हमारा क्या होगा, उसी पर बेस्ड कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। हम यहां पर यह दिखाएंगे कि जो क्वेश्चन IIT में आया हुआ होता है यानी JEE एडवांस में आया हुआ होता है, वही एज इट इज विदाउट चेंजिंग एनी डेटाज आपको JEE मेन में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिर से आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 1, ओके? तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो क्या करना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन से पहले, आइडेंटिटी से पहले एक्सप्रेशन के बारे में जानना होता है। डिफिनेशन वाइज आपको सारा क्लियर है, हम केवल उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चन यूज करेंगे। एक्सप्रेशंस के बाद यदि आइडेंटिटी आता है, ठीक है, देखो हम आज क्या शुरू करेंगे, आइडेंटिटी से। ठीक है, तो आइडेंटिटी में क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होगा ऐसा इक्वेशन विच इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो जो सभी के लिए डिफाइंड है बेसिकली वहां से कभी एक्स पूछा नहीं जाएगा क्योंकि सभी एक्स के लिए डिफाइंड है। तो यहां पर कुछ और पूछे जा सकते हैं, यानी एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट होते हैं, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट। जैसे आइडेंटिटी पर बेस्ड जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम किस तरीके से यहां पर सोल्व करेंगे, ये JEE मेन में भी आया हुआ है, JEE एडवांस में भी पुराने टाइम में आया हुआ है ना। तो जैसे देखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, इक्वेशन समझते हो, विच इज डिफाइंड फॉर द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, आइडेंटिटी विच इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, तो हम यहां पर वही काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक इसमें कंसेप्ट क्या है, देखो कंसेप्ट ये है कि हमें कंपेयर करना होता है। इस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होता है, जो भी दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में आपके दिए हुए रहेंगे कि इफ दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी इन एक्स या इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सर ने बताया है, मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी इक्वेशन में जो उसका मैक्सिमम पावर यानी उसको डिग्री बोलते हैं पॉलिनोमियल केस में, यहां इक्वेशन हम पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो डिग्री होता है मैक्सिमम उतने ही रूट्स होते हैं, यदि उससे ज्यादा रूट्स हैं तो उसका मतलब वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। जैसे इसमें 3 तरह के क्वेश्चन लिखे हुए रहेंगे सेंटेंस वाइज, इंग्लिश मैटर करेगा। जैसे इफ दिस इज एन आइडेंटिटी इन एक्स है, इफ दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, मतलब सब में सेम है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन कंसेप्ट यही है, जस्ट कंपेयर, ठीक है, हमें क्या करना है, जस्ट कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ये है आपका कंसेप्ट फॉर आइडेंटिटी। जैसे यदि हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल में कि इफ कोई भी हम इक्वेशन ले लिए ए स्क्वायर माइनस 3a+2, ये एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक चल रहा है ना, तो हम एक्स स्क्वायर तक ही ले रहे हैं, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a+6, कोई भी अपना मन से हम ये सब डेटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये है, ये क्वेश्चन आपके JEE मेन एज वेल एज JEE एडवांस दोनों में आया हुआ है, कितना आसान लग रहा है ये। दिस इक्वेशन, क्वेश्चन में क्या है, इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल, समझते हो ना, सेट थ्योरम हो चुका है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन ए, ए क्या होगा, वैसे क्वेश्चन में क्या आया था,
नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो हमें क्या करना है, अभी हमने ऊपर इंग्लिश में क्या लिखा है बच्चों, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। तो कंपेयर का मतलब लेफ्ट को राइट से, किसी को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, खुद के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर, देखो लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू। राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है बच्चों, जीरो है ना, जानते हो ना, जो नहीं होता है वो जीरो होता है ना, मतलब जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो लिख सकते हो ना राइट हैंड साइड को, इस वजह से। सो एज आफ्टर कंपेयरिंग, इसको हम कंपेयर कर दिए, ठीक है। तो कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट जो है, राइट हैंड साइड जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है, इक्वेट कर दिए, जीरो है। इसका मतलब यहां से आप देखो बच्चों, आपको फैक्टराइजेशन ये सब तो आता है ना, फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं, जो मन में किया जाता है फॉर स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर जेई मेन और जेई एडवांस। अब कोई ए इंटू सी करता है बी को दो पार्ट में, हाँ ज्यादा लेंदी डेटा है तब तो करना है, और भी ऑप्शनल मेथड है, लेकिन यदि नॉर्मल क्वेश्चन में भी ए सी बी को दो पार्ट में ऐसा कर रहे हो, यू आर इन गुड इन योर ऑन होम, नॉट फॉर जेई मेन और जेई एडवांस, ठीक है। तो आपको उस थोड़ा सा छोटे छोटे डेटा का डायरेक्ट करना है। तो ए इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, वन और टू, फैक्टराइजेशन आ गया। नाउ यहां कंपेयर करने से ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो है, ठीक। तो यहां से इसको फैक्टराइज कर दिया, ए इज इक्वल टू टू हो गया और थ्री हो गया। लेफ्ट हैंड साइड कॉन्स्टेंट टर्म ए स्क्वायर माइनस फोर है, तो a इज इक्वल टू टू और माइनस टू हो गया। अब यदि कोई सोचे फर्स्ट नजर में क्या आएगा बच्चों, इसमें फर्स्ट नजर में आएगा कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है सभी को लिखने पर a का वैल्यू वन है, टू है, थ्री है, माइनस टू है, तो चार हो गए, लेकिन गलत हो जाएगा। ए यदि हम वन रखते हैं, ए यदि वन रखते हैं तो ये वाला कोफिशियंट तो जीरो हो रहा है बच्चों, लेकिन ये दोनों तो जीरो नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये आइडेंटिटी हुआ ही नहीं। इसका मतलब आइडेंटिटी होने के लिए ऐसा ए देखना है, कैसा ए देखना है, ऐसा ए देखना है जिसकी वजह से एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म सब जीरो हो, ठीक है, एट ए टाइम। जीरो का मतलब जो राइट साइड में दिया हुआ है उसके इक्वल हो। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहां से आपका a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू टू, कॉमन वैल्यूज है ना, तीनों में जो कॉमन वैल्यूज है ना, दैट इज कॉमन वैल्यूज, याद रहेगा बच्चों, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो कॉमन वैल्यूज हम इसमें लेंगे, यानी a इज इक्वल टू टू, तो a के कितने वैल्यू हो गए हैं, वन, और वो कितना इक्वल हो गया, टू के, याद रहेगा। तो आइडेंटिटी का मतलब कभी भी आपको x नहीं निकालना है, आइडेंटिटी मींस डिफाइंड फॉर ऑल x, तो जो सभी के लिए है हम एक दो थोड़ी फाइंड कर सकते हैं, बाकी पैरामीटर्स आपको उसमें फाइंड करने होंगे, क्लियर है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए देखो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया था, हमने ट्रिगोनोमेट्री भी कर रखा है तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर सकते हो, है ना। जैसे यदि हम लिए कि नंबर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब तीन का एक साथ कॉम्बिनेशन, ठीक है, ट्रिपलेट ए बी सी, हमें बताना है बच्चों नंबर ऑफ ट्रिपलेट ए बी सी कितना होगा, जिसकी वजह से, फॉर विच इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है आपका, अब इक्वेशन क्या दिया हुआ है, a cos 2x plus b sin square x plus c is equal to 0 is satisfied
या आइडेंटिटी भी लिखा हुआ रह सकता है, सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नंबर, रियल नंबर, याद रहेगा। नाउ क्वेश्चन में आपको ए बी सी में पेयर वाइज निकालने हैं, ट्रिपलेट, मतलब दो को पेयर तीन को ट्रिपलेट, इस तरीके से ही लेते हैं, कुछ ऐसा मत सोचना सिंगलेट ट्रिपलेट केमिस्ट्री का, ठीक है। यहां पर तीन का एक साथ कॉम्बिनेशन है। नाउ अब हम जब ये लेंगे तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट ए बी सी, क्लियर है। अब इसमें हमें ए बी सी पेयर वाइज यानी ट्रिपलेट वाइज बताना है, हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के पहले यह सोचना है कि लेफ्ट हैंड साइड कॉस 2x का कोफिशिएंट a है, राइट हैंड साइड 0 है, ऐसा गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले आपने याद कर रखे हैं जो साइन के साथ भी होते हैं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला एकदम याद है, कहीं ना कहीं देखो बोर्ड पर दिख रहा होगा, इनविजिबल मोड में लिखा हुआ है, देखो फील करो, उससे क्या है याद आएगा। कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, या 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। ट्रिगोनोमेट्री क्या है बच्चों, पूरा बंडल है फॉर्मूलेस का, है ना। जैसे ही उस बंडल को ओपन करेंगे फॉर्मूले ही फॉर्मूले निकलेंगे, वो हमें डेविएट दूसरे फील्ड में होने देंगे नहीं। इस वजह से ट्रिगोनोमेट्री इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एज वेल एज फंडामेंटल कंसेप्ट फॉर गेटिंग गुड रैंक्स इन जेईई मेन। बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत जगह यूज होता है, आपको बताया गया है, हमने भी सीरीज में किया था मैथ्स अभ्यास ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज में, बहुत सारे फॉर्मूले के यूज किए थे, तो उन्हीं को ध्यान में रखना है। और इसीलिए ध्यान में रखना है कि आगे यूज होगा, है ना, आगे यूज होगा, जब तक कि हम अच्छे रैंक से पास नहीं होते, ठीक है, तब तक आपको ये यूज करना है। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद है ना, कॉस 2 थीटा जो हमने चिल्लाया उसमें से जो यूज होगा वो, क्योंकि यहां बच्चों साइन है, देखो ये साइन है, इस वजह से हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे और भी होते हैं ना तो ये यूज कर लेते हैं इसमें, तो यहां क्यों यूज करेंगे, जिससे कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो a टाइम्स 1 माइनस, देखो कॉफिशेंट कंपेयर करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट कॉफिशेंट चाहिए, बेसिकली एक दूसरे में डिपेंडेंट टर्म होंगे तो वहां पर हम कंपेयर नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स में कोई मतलब सिमिलरिटी नहीं है, डिग्री वाइज ही अलग है, ऐसा नहीं कि एक्स कॉमन ले लिए, अलग अलग टर्म है वो। कॉस 2x इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइन स्क्वायर x, इस वजह से, ठीक है। अब देखो कंपेयर कर लेंगे, पहले हम अच्छे से लिख लेते हैं, a इंटू 1 और प्लस c आ गया कॉन्स्टेंट टर्म, और b माइनस 2a आ गया साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, याद रहेगा। तो a प्लस c आ गया और b माइनस 2a आ गया साइन स्क्वायर x, याद रहेगा कि नहीं, याद रखना है इसको, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आफ्टर कंपेयरिंग, अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, और कंपेयर करने से हमें ए बी सी में एक रिश्ता आ जाएगा। अब वो रिश्ता क्या कहलाता है उसी को यूज करना है, ठीक है। ए प्लस सी 0 आ गया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस सी है कॉन्स्टेंट टर्म, राइट हैंड साइड क्या है बच्चों 0, इस वजह से लेफ्ट हैंड सी टर्म साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट है बी माइनस टू ए, राइट हैंड साइड है 0, तो यहां से आ जाएगा। अब देखो हमारे पास सोचने वाली बात यह है, ए बी सी, ए बी सी कितने वेरिएबल है 3, ए बी सी में 3 इक्वेशन चाहिए लेकिन दिया हुआ है 2, तो हम एग्जैक्ट तो ए बी सी नहीं निकाल सकते हैं, यानी पुट करके निकालेंगे। जब भी हमारे सिस्टम में नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं तो हम एक बाय मेथड ऑफ इंडक्शन यानी पुट करके देखने का भी सिस्टम रखते हैं बच्चों, यह भी इक्वेशन में बहुत यूज होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाउ अब इसमें यदि हम पुट करते हैं
पुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एबीसी नहीं चाहिए बच्चों, हमें एबीसी का ट्रिपलेट चाहिए, मतलब एबीसी डिपेंडेंट आपस में। तो पुट ए इज इक्वल टू वन, ए यदि वन रखते हैं देन बी कितना आ रहा है, टू आ रहा है एंड सी आ रहा है माइनस वन। ए यदि हमने टू रखा देन बी आ रहा है फोर और सी आ रहा है माइनस टू, आ रहा है ना, यहां पुट करते जाएंगे। तो ऐसे हम अपनी इच्छा अनुसार पुट करते जाएंगे, अपनी इच्छा अनुसार पुट करते जाएंगे। बहुत सारे कुछ भी रख सकते हो, वन बाय टू भी रख सकते हो, वन बाय थ्री भी रख सकते हो, कोई इंटीजर वगैरह तो दिया नहीं है। तो हम अपनी इच्छा अनुसार बच्चों क्या कितने ए के वैल्यू रखेंगे, अपनी इच्छाएं कितनी है, कम से कम इस एज में तो इनफाइनाइट है ना भाई। जो बच्चे 10th से 11th या 12th तक होते हैं उनके ना, हमारे भी थे, नंबर ऑफ जो इच्छाएं हैं बच्चों वो कितने हैं, इनफाइनाइट है। वो धीरे 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 मतलब कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस इन्वायरमेंट उसके बाद अपने हम रियलिस्टिक होने लगते हैं। अदरवाइज जमाना क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से थोड़ा सा ज्यादा इमेजिनरी है। तो ए इज इक्वल टू पुट करते जाएंगे करते जाएंगे अपने हिसाब से इनफाइनाइटली मेनी ए का वैल्यू पुट करेंगे। सो नंबर ऑफ ट्रिपलेट, यानी दैट इज नंबर ऑफ ट्रिपलेट ए बी सी, नंबर ऑफ ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, इज इनफाइनाइट। ठीक, समझ में आया इनफाइनाइट क्यों हुआ, क्योंकि तीन वेरिएबल था, तीन इक्वेशन होते तो हम सोल्व करके एग्जैक्ट एबीसी निकाल लेते। इसका मतलब हमें यहां से यदि डिपेंडेंट ट्रिपलेट ये सब पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट याद रखना है बच्चों, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज ग्रेटर देन या लेस देन, इस तरीके से देखो। नंबर ऑफ इक्वेशन यहां क्या है, दो है, वेरिएबल्स है तीन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, देन नंबर ऑफ सोल्यूशन डिपेंडेंट सोल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। बस ये याद रख लेंगे, ठीक है। दोनों जब इक्वल होते हैं तब ना एक ही होते हैं, तो ये याद रहेगा ना। तो ये आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स नहीं पूछा जाएगा, आसपास वाले कोएफिशिएंट पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है ना आपका, एकदम सही ना। अब देखो इसमें हम आ जाते हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज्यादा जो आज तक पिछले 20 साल मतलब 2002 से काउंट कर रहे हैं, 2021 का जब हो जाएगा तब 20 साल हो जाएगा ना, 2002 से बच्चों एआई ट्रिपल ई नाम से शुरू हुआ है। 20 साल में जितने क्वेश्चन आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जेई मेन में या लास्ट 43 ईयर्स से जेई एडवांस में, जिसके पेपर हमारे पास अवेलेबल है, हो सकता है पहले से भी हो रहे होंगे लेकिन पेपर अवेलेबल उतने नहीं हैं, तो जो भी पेपर अवेलेबल हैं उसके एनालिसिस से ये आइडिया लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोर देन 50% सेगमेंट, बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट में से मोर देन 50% रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स पर क्वेश्चन आए हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्वाड्रेटिक में आगे चल के पॉलिनोमियल में तीन रूट्स तो तीन रिश्ते, चार रूट्स तो चार रिश्ते एंड सो ऑन, रूट्स डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, याद रहेगा ना। रूट्स, रूट्स का मतलब हम आपको आज के प्रोफेशनल जमाने में हम क्या बोल सकते हैं, डिग्री, डिसाइड करते हैं हमारे आगे के रिश्तों को, है कि नहीं। यहां पर भी वही है, यहां रूट्स डिसाइड करते हैं, दो है तो दो रिलेशंस, ऐसे चलता है, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक में। तो ये हो गया इक्वेशन आइडेंटिटी, देखो इसको नोट कर लिए होगे, और एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें कर सकते हो। अब देखो हम रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स, ज्यादातर बच्चों यही क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादातर क्वेश्चन, यानी इसको हमें सोल्व करने आना चाहिए। बेसिकली ये PYQG है और अच्छे कंसेप्ट के साथ हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, देख रहे हो क्वेश्चन तो चलो बाद में रीड करते हैं, लेकिन ये IIT 99 में आया था और AI ट्रिपल ई 2005 में भी आया था, सेम क्वेश्चन
है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एक सेगमेंट में आते हैं, बस आपको ध्यान देना है। इसीलिए हम बच्चों को मैथमेटिक्स में ये बोलते हैं कि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा जेई मेन में तभी होगा जब आप पी वाई क्यूज ऑफ जेई एडवांस सिंगल चॉइस लास्ट 43 इयर्स के सोल्व करते हो तो, ठीक है। इस वजह से जेई मेन वगैरह जो भी होता है ना, थोड़ा सा हमें अदर सब्जेक्ट से रिलेटिव थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव लगता है या लेंदी लगता है, सिंगल वर्ड सिंपल वर्ड टफ बोल सकते हो, क्योंकि वो जेई एडवांस के कंपेयर में आते हैं, मतलब मैथमेटिक्स सिंगल चॉइस लेंदी वाले जेई एडवांस वाले क्वेश्चन नहीं। तो देखो ये इसीलिए हमने ये दोनों डेटा कंपाइल किया हुआ है कि इससे आपका ना आंख खुल जाएगा कि अच्छा जेई मेन का मैथमेटिक्स मीन्स जेई एडवांस के पुराने मैथमेटिक्स ये होता है, ठीक है। लेवल क्वेश्चन भले आसान आसान होते हैं, बाकी तो देखो जितना देर मैं लेक्चर दे रहा हूं उतने देर में तो अगला पेज का भी क्वेश्चन बच्चों ने कर लिया होगा, मजाक कर रहा हूं, दिखाई नहीं तो कहां से किया होगा। इन्हें ट्राइंगल PQR, कोई ट्राइंगल दे रखा है बच्चों, ट्राइंगल है PQR और एंगल R है PY, मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब P प्लस Q हो गया 90 डिग्री, बस यही कंडीशन आ गया। अब टैन में जब भी होता है, यहां रूट्स दिए हुए हैं टैन, ये जो है इस इक्वेशन के रूट है बच्चों, इस इक्वेशन के रूट है ना, तो जब रूट है तो इसको अल्फा और बीटा सोच सकते हो ना, यदि हमने इसको अल्फा सोचा इसको बीटा सोचा तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है ना, सोचा तो ये तो होता ही है क्वाड्रेटिक में। नाउ अब यहां पर पी और क्यू में रिलेशन है, पी प्लस क्यू है 90 डिग्री या पाई बाई टू रेडियन, पी प्लस क्यू क्या है पाई बाई टू रेडियन, तो हमें जरूरत तो है पी बाई टू क्यू बाई टी क्यू टी, तो पी बाई टू प्लस क्यू बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई फोर हो गया, दोनों साइड टैन ले लिया, क्यों ले लिया भाई, कॉट दिया रहता तो कॉट ले लेते, साइन दिया रहता तो साइन ले सकते थे, या हो सकता है दूसरा लेते, लेकिन टैन और कॉट तो बड़ा आसान है बच्चों। टैन और कॉट में क्या होता है ना, सीधे याद रखते हैं, सीधे क्या करते हैं याद रखते हैं कि टैन और कॉट में तो सीधे दोनों साइड टैन या कॉट होगा तो कॉट ले लेगा, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। तो यहां से यदि हम टैन ले लेते हैं, ठीक है, तो टैन लेने से टैन पी बाई टू प्लस क्यू बाई टू इज इक्वल टू आपका आ गया टैन पाई बाई फोर, वन होता है ना। अब टैन ए प्लस बी क्या होता है भाई, टैन ए प्लस टैन बी आ गया ना रूट्स, टैन पी बाई टू टैन क्यू बाई टू यही ना रूट्स हैं, तो यानी इसी को हमने अल्फा और बीटा लिख रखा है, ठीक है। अब यही अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा यहां है, यानी माइनस बी बाई ए अपॉन वन माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई सी बाई ए इज इक्वल टू वन है ना, एलसीएम ले सकते हैं ना, तो यहां से आ गया माइनस बी अपॉन ए माइनस सी इज इक्वल टू वन आ गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, यही ना भाई फॉर्मूला क्या होता है, ये है, और यहां तो वन हमने लिखा ही नहीं था तो बस ये हो जाएगा। तो टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन वन माइनस टैन अल्फा टैन बीटा, और यहां से पुट कर दिया, ये हो गया माइनस बी बाई ए दिया हुआ है और सी बाई ए, आसान है ना, बहुत आसान है। तो ये क्या आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये आ गया आपका ऑप्शन डी, आसान था, एकदम आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स आपको याद रखने हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जितने भी बच्चे होते हैं ऑलमोस्ट सबको ये तो याद ही रहता है। मुझे लगता है यदि कोई मैथ्स विच साइंस लिया है और अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा में कंफ्यूजन है, इसका मतलब उन्हीं के लिए आर्ट्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स बना हुआ था, है ना, मतलब गलत चुन लिया है फील्ड थोड़ा सा, ये तो एकदम मैंडेटरी होते हैं ना, कुछ कुछ कंडीशन हमें मैंडेटरी होते हैं याद रखने होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हमसे हो जाएगा,
इसका मतलब यह है कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट करेंगे तभी तो होगा, बिना अटेम्प्ट किए हुए कैसे होगा भाई, ठीक है। तो अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, उससे पता चलता है किस लेवल का मैथ्स है हमारे पास। जब हम यहां वहां देखते हैं, हम लोग को कोई देखता है क्वेश्चन सोल्व करते हुए, या हमारे आसपास जो भी टीचिंग लाइन में है या उनको देखता है यूट्यूब पर सोल्व करते हुए, बहुत मजा आता है, वाह क्या सर कर देते हैं। जब हम उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करते हैं और उसी स्पीड से उसी टाइम में हो जाता है, इट मीन्स रियल मजा वो है, अदरवाइज तो इमेजिनेशन है ही, ठीक है। हमें एज ए ऑडियंस किसी भी गेम को देखने में ना बहुत मजा आता है, और ये हमें नहीं सबको आता है, इसमें और कोई गलत भी नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है। इसलिए लेकिन जो फील्ड हमारा है थोड़ी सी उसमें प्रैक्टिस, उससे ज्यादा उसमें प्रैक्टिस, उससे ज्यादा ज्यादा और ज्यादा उसमें प्रैक्टिस, वो परफेक्ट बनाता है। क्लियर नाउ, अब हम आगे करेंगे। देखो ये है जेई का ही, ये भी बहुत आसान है, ये केवल उसी में आया था, आईआईटी मतलब जेई एडवांस की बात कर रहे हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आपको कुछ है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन में वैसे ए बी के जगह पर अल्फा बीटा दिया हुआ था, यहां भी अल्फा बाई टू टू बीटा है, चलो ए और बी ले लेते हैं, नया हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। मतलब अल्फा को ए बीटा को बी लिख दिए, इसी को तो इनोवेशन बोलते हैं हम लोग, है ना। तो नाउ बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, याद रहेगा ना। क्वेश्चन में एक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स है, दो इक्वेशन है उसके भी दो रूट्स है, दोनों के बीच का रिश्ता पूछा जा रहा है, सीधे एकदम कर लो, जैसा रिश्ता है, अच्छा जैसा रिश्ता है वही कर लेते हैं। जैसे a प्लस बी है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो है, इसके रूट्स है a और b, बेसिकली अल्फा और बीटा था, तो a प्लस बी जो है दिस इज माइनस बी बाई ए, और ए इंटू बी जो है वो है सी बाई ए, ठीक। ए प्लस बी है पी और ए इंटू बी है आर, क्लियर नाउ। अब दूसरा ए बाई टू, इसके दूसरे इक्वेशन के रूट एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो है ना, दोनों में r सेम है ना, चलो ठीक है। तो अल्फा बाई टू, अल्फा तो लिया ही नहीं है, बोले थे ना अल्फा बाई टू, ए बाई टू प्लस टू बी दिस इज इक्वल टू q, और a बाई टू इंटू टू बी दिस इज इक्वल टू r, तो बेसिकली ये तो सेम आया है ना। यदि हम इस इक्वेशन को वन मान ले, ठीक, और इसको टू मान ले, तो ये भी तो टू ही है ना, टू से टू कट के दिस इज टू दिस इज थ्री, बेसिकली इक्वेशन तीन आ गए हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, आर निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, तो आर जो है वो दोनों में, देखो आर जो है बच्चों वो आर क्या है, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी है ना, और आंसर हमें पी और क्यू में चाहिए, तो a और b को p और q के टर्म्स में लिख देंगे, a और b को p और q के टर्म्स में लिख देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो यहां से a प्लस बी है p, यहां से क्या है a प्लस फोर बी, a प्लस फोर बी है 2q, ठीक है। तो यदि हम इसको माइनस करें, ये 1 है और ये 3 है, तो यदि हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास b आ जाएगा, है ना। सो फ्रॉम 3 माइनस 1, बस इससे तो तुरंत ही सोल्व कर लोगे, और लग भी रहा होगा आपको कि बहुत आसान है, वी गेट माइनस करने से क्या आ गया, 4b माइनस b 3b, यानी b इज इक्वल टू 1 बाय 3 टू क्यू माइनस पी, टू क्यू माइनस पी ये है। एंड अब क्या हो जाएगा, अब हम b का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, है ना, फ्रॉम 1 b का वैल्यू, और नहीं तो सीधे 3 से मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। फ्रॉम 1 a प्लस b, b कितना आ चुका है 2q बाई 3 माइनस p बाई 3 इज इक्वल टू p, तो यहां से आ गया आपका, यहां से क्या आ गया a इज इक्वल टू p प्लस पी बाई थ्री, फोर पी बाई थ्री, तो 4p बाई थ्री माइनस 2q बाई थ्री, तो 2
बाय थ्री, तो 2p माइनस q, ये आ गया आपका, यानी ये a आ गया और ये b आया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो r आ जाएगा। r का मतलब क्या है बच्चों? सो r इज इक्वल टू a इंटू बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, ये आ गया कितना 1 बाय 3, यानी 2 बाई 9, कितना आ गया ये 2 बाई 9, 2q माइनस पी और 2p माइनस q, कौन सा ऑप्शन आ रहा है 2 बाई 9, 2p माइनस q और 2q माइनस p, एकदम सही, यानी ऑप्शन डी आ गया आपका। ठीक है, सीधे हम a इंटू बी कर देते हैं तो ये आ गया आपका 2 बाई 3 इंटू 1 बाई 3 और 2p माइनस q इंटू 2q माइनस p, आसान है। मतलब बच्चों आपको ना कंसेप्ट ये याद रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, बस उल्टा सोचना होता है ना, हमेशा स्टडी करना, सीधा प्रोसेस है, किस लिए करना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उससे हमें क्या करना है और कितना टाइम देने की जरूरत है, उसके बाद बातचीत करने का टाइम है क्या हमारे पास, तो उल्टा सोचते हैं, है ना, स्टडी करते जा रहे हैं, हम भी यही कर रहे थे, स्टडी करते जा रहे हैं, लेकिन उससे कोई उतना हमें प्रॉफिट नहीं होता है यदि हमारा टारगेट फिक्स नहीं होता है तो। क्लियर है? ओके, देखो आईआईटी में आया हुआ आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, ये आपको पहले से ही सारा पता है, ये आपको पहले से ही पता है, रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स है, तो सारा का सारा तो आपको आइडिया था ही, आपके अंदर जो था वही हमें यहां पर एक्सपोज करना था, बस बाकी कुछ है ही नहीं, कंसेप्ट पुराना है, मेथड ऑफ टीचिंग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जिससे आपके समझ में आने की चांसेस प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, ठीक है, सीरियसली से, ओके, ध्यान रखना है। नाउ अब देखो आगे, ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ है 2000 में, एआई ट्रिपल ई में भी आया हुआ है, किस साल आया हुआ मिला ही नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये आया हुआ है, ठीक है, एकदम आसान है। इससे पहले हमने टॉपिक कौन सा किया था बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर, उम्मीद है सबको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। नाउ थोड़ा सा जो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, देखो फॉर द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, एक रूट यदि हमने अल्फा माना तो दूसरा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बस कंटेंट खत्म, अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेट रूट्स आर, रूट्स आर क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा, बीटा के जगह पर क्या लिख लिया बच्चों, अल्फा स्क्वायर लिख लिया, दिया हुआ है इस वजह से, है ना, स्क्वायर ऑफ अदर है इस वजह से, ठीक है। नाउ अब जानते हो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस पी बाय थ्री, अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाय ए, यानी वन आ जाएगा, यानी यहां से आ गया, यहीं पर से कमाल करना है, अल्फा क्यू इज इक्वल टू वन, इसको वन ले लिए, अल्फा क्यू यदि वन होता है तो जब कोई बच्चा, इन जनरल एक्सेप्शंस है, जब कोई स्टूडेंट 9-10 तक होता है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन देखता है तो एक्स इज इक्वल टू वन लिख के आगे बढ़ जाता है, कहीं कोई गलती नहीं होती है। अब जब बच्चा 11th का है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर चुका है, उसको इतना आइडिया है कि जितने डिग्री होते हैं बच्चों उतने ही रूट्स होते हैं, तो हमें यह पता है कि अल्फा क्यूब यदि वन है तो अल्फा इज इक्वल टू तीन रूट्स होंगे ना, तो ये क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में बताया गया है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, याद रखना है ना, इसको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, जैसे ही हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखें हमारे पास दो रिश्ते और भी हो जाने चाहिए, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो और ओमेगा क्यूब वन, इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और वो क्वेश्चन
जो आईआईटी में आया हुआ था और AIEEE में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुए थे दोनों वाले। इस सेगमेंट में हमने क्वेश्चन अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के सीरीज में करवाया था, अपने ही मैथ्स अभ्यास में हमने पूरा ये करवा दिया था, ठीक है। और ये आपको इतना याद रखना था, इतना याद रखना था कि नहीं याद रखने से ना कुछ कुछ इन फ्यूचर हो सकता है दिक्कत होगी, नहीं भी हो सकता है ना, तो लेकिन चांसेज है कि आपको ये बीच बीच में ना याद होना चाहिए और दूसरे टॉपिक में भी यूज होगा। तो अल्फा क्यूब यदि देखो यहां पर गलत पता है बच्चों का कहां पर होता था, यही होता था अल्फा क्यूब वन लिए, अल्फा वन लिए। अब देखो अल्फा यदि कोई वन लेता यानी नौ फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन जिसको माना है ना, ये देखो इसमें अल्फा यदि वन रखा हमने, अल्फा यदि वन रखा तो अल्फा वन रखने से क्या आ गया, वन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस पी बाई थ्री, तो पी इज इक्वल टू माइनस सिक्स। जबकि क्वेश्चन है दिया हुआ है पी ग्रेटर देन जीरो, पी ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है ना, तो ये तो गलत हो गया। कुछ बच्चे पता है यहीं पर करके सोचना शुरू करते हैं कि अब क्या हो गया गलत। कुछ बच्चे इसका मॉड ले लेते हैं जबकि पूछा नहीं गया था मॉडुलस, है ना, पूछा नहीं गया कि मॉडुलस क्या होगा, वैसे ऑप्शन में भी नहीं है, है ना। तो इस वजह से हमें ध्यान देना होता है कि अल्फा इस इक्वेशन के तीन रूट्स है, एक भले नहीं सेटिस्फाई किया बाकी तो दो हैं। नाउ यहां पुट किए थे, नाउ अब पुट करो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस पी बाई थ्री। और ये जानते हो ना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बताए हैं अभी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन है ना, तो ये आ गया माइनस वन। तो यहां से माइनस वन इज इक्वल टू माइनस पी बाई थ्री यानी पी इज इक्वल टू थ्री, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया पी इज इक्वल टू थ्री। आसान है चूंकि पॉजिटिव लाना था, इवन ओमेगा स्क्वायर भी रखोगे बच्चों तो भी P इज इक्वल टू थ्री ही आएगा, ऐसा मत कि कोई दूसरा आएगा तो वो भी लगा देंगे, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर जब रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फोर आएगा, ओमेगा फोर ओमेगा होता है, ओमेगा क्यूब वन होता है, तो ओमेगा फोर ओमेगा होता है, याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। P इज इक्वल टू थ्री आ गया। और इस क्वेश्चन का आंसर देखो कितना आसान है, ये जेई स्क्रीनिंग में आया था, है ना, एकदम आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, बस हम थोड़े से माइनर मिस्टेक करते हैं और उस वजह से हो सकता है आंसर गलत आए, हो सकता है सही भी तो आने के चांसेस, क्वेश्चन आया ही इसीलिए है आपके सामने कि आप सही करो, आपको पूछा ही आपसे इसीलिए गया है कि सामने वाला आपको मान रहा है कि यू कैन सॉल्व, आप कर सकते हो, है ना, सामने वाला मान रहा है, सामने वाला आपको बहुत ब्रिलियंट मान रहा है। एग्जामिनर जो है ना जेई मेन वाले एनटीए वाले गवर्नमेंट वाइज आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं और आप हो भी, प्रूफ करना, क्लियर है, एकदम आसान है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है ना, अब देखो आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें हमें अब क्या करना है, ये वाला भी क्वेश्चन एक देखो ये दो दो साल रिपीट हुआ है, दो दो साल मतलब आईआईटी में 2011 में आया है, जेई मेन में 2015, चार ही साल में रिपीट हो गए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन अच्छे होते हैं तो तुरंत तुरंत रिपीट हो जाते हैं, उस अच्छे क्वेश्चन में से ये हमें ध्यान देना है, क्लियर है ना। आईआईटी 2011 और जेई मेन 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपको। अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, एक टर्म ए एन डिफाइंड किया गया अल्फा एन माइनस बीटा एन, सच दैट ए टेन माइनस टू ए एट अपॉन टू ए नाइन बताना है, ठीक, बहुत ही आसान है, क्या है बहुत ही आसान है, ये याद रखना होता है। देखो कैसे हम इसको करेंगे, अलग अलग तरीके से करते हैं इसको, अलग अलग तरीके से, जैसे एक इसके मतलब क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग हम मेथड से कर सकते हैं बच्चों। देखो एक है इसमें मेथड वन,
अल्फा और बीटा यदि इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, अल्फा और बीटा यदि इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए यानी सिक्स, अल्फा इंटू बीटा है सी बाई ए यानी माइनस टू। क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा ये आ गया। अब यहां से ना हमें डेटा, देखो डेटा को ऑब्जर्व करो, वहां से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ यहां तक क्लियर है, नाउ हमें ये निकालना है, रख देते हैं बस, ए टेन माइनस टू टाइम्स ए एट डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ए नाइन, पुट कर दिए। देखो a10, a10 का मतलब अल्फा 10 माइनस बीटा 10। देखो यहां सोचने वाली बात क्या है, अल्फा इंटू बीटा माइनस टू है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस टू, इसका मतलब माइनस टू यहां आया है, तो अल्फा इंटू बीटा यदि माइनस टू है तो माइनस टू क्या होगा अल्फा इंटू बीटा होगा, इसका मतलब ये आ गया आपका अल्फा इंटू बीटा माइनस टू के जगह पर ले लिया हमने, और ये अल्फा एट माइनस बीटा एट अपॉन टू टाइम्स, ये तो था ही अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन। हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों, डिनोमिनेटर को ना कंप्रेस करते हैं, मतलब एक्सपैंड नहीं करते हैं, ये नहीं करना था, हमने जो हाथ लिखा है ना वो नहीं करना था, कंप्रेस करते हैं, न्यूमरेटर एक्सपैंड करते हैं, डिनोमिनेटर कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो अल्फा 10, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, अब यहां से इसको लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू अल्फा 10 और अल्फा 9 बीटा आ गया ना एक साथ, अल्फा 10 प्लस अल्फा 9 बीटा माइनस बीटा 10 प्लस बीटा 9 अल्फा, है कि नहीं, यहां माइनस कॉमन ले लिए हैं यहां से, और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिखा ही जा रहा है भाई, टू अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन। अब देखो यहां से अल्फा नाइन कॉमन है और वहां से बीटा नाइन कॉमन है, अल्फा नाइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा नाइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू टाइम्स अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन। अब कुछ कुछ आइडिया लग रहा है, इन दोनों में अल्फा प्लस बीटा कॉमन है ना बच्चों, अल्फा प्लस बीटा कॉमन लेंगे तो अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन होगा, अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन से अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन कट जाएगा, समझ में आइए भाई, अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन बचेगा, कब बचेगा जब अल्फा प्लस बीटा हम लेंगे, इसका मतलब ये रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आया हुआ है सिक्स ना, तो सिक्स बाई टू दैट इज थ्री आ गया, आसान है ना, ये आ गया, मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा पता था, अल्फा इंटू बीटा पता था, पुट कर दिया, सिंपल कॉमन ले लिया, आ गया। ये हुआ मेथड वन। इसी क्वेश्चन को देखो हम और कर सकते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। देखो जैसे यदि हम मेथड टू में जाते हैं, इसी में हम क्या कर सकते हैं, देखो यदि कोई इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, कोई भी इक्वेशन दे रखा है तो उसके यदि रूट्स है तो वो आखिर करते क्या है, रूट्स आखिर इक्वेशन के साथ क्या करता है, उसको सेटिस्फाई करता है। तो एज एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू दिया हुआ था, इसके रूट्स थे अल्फा और बीटा, दैट इज अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फा माइनस टू जीरो होगा और बीटा स्क्वायर माइनस सिक्स बीटा माइनस टू जीरो होगा, होगा अल्फा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फा माइनस टू जीरो और बीटा स्क्वायर माइनस सिक्स बीटा माइनस टू जीरो, यहां तक क्लियर है ना। अब क्या निकालना था हमें, ए टेन माइनस टू टाइम्स ए एट डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ए नाइन निकालना था, है कि नहीं। देखो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा टेन माइनस बीटा टेन,
अब इसमें हम टू तो वो है ही नहीं, ये दूसरा मेथड है, तो टू वाला हम ये यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टू टाइम्स अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन। अब देखो इसमें अल्फा टेन आ रहा है, देखो अल्फा टेन है और टू अल्फा एट है, तो एक साथ कर लेते हैं, है ना। तो यहां से अब हम लिख सकते हैं अल्फा टेन, अल्फा टेन माइनस टू अल्फा एट माइनस बीटा टेन माइनस टू बीटा एट, लिख सकते हो, मतलब अल्फा अल्फा के साथ और बीटा बीटा के साथ कर लिए यहां। तो ये तो हमेशा बैठा रहता है, क्यों बैठा रहता है कि ऊपर में ये टर्म आएगा और कोई ना कोई टर्म से मैं कट जाऊंगा, कैंसिल आउट हो जाऊंगा, अच्छे से बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, अल्फा एट, ठीक, और बच क्या गया अल्फा स्क्वायर माइनस टू। इन दोनों में बीटा एट, बच क्या गया बीटा स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाय यहां से टू अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन, ठीक। अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस टू क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस टू देखो क्या है, सिक्स अल्फा है ना, अल्फा स्क्वायर माइनस टू सिक्स अल्फा है, तो यहां से लिख देंगे अल्फा एट, ये अल्फा स्क्वायर माइनस टू कितना लिख दिया सिक्स अल्फा माइनस सेम वही बीटा एट है, यहां सिक्स बीटा है, ये देखो बीटा स्क्वायर माइनस टू है, इसीलिए ये रिलेशन लिखे थे और हमें याद होना चाहिए था। तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू सिक्स अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस टू सिक्स बीटा, और नीचे में देखो अब तो फिर आसान हो गया, ये ज्यादा आसान लग रहा है मुझे, वो हमने डिटेल में लिखा है इसलिए चार लाइन ज्यादा हो गया, सिक्स अल्फा नाइन, तो सिक्स टाइम्स अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन अपॉन टू टाइम्स अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन, कटने के बाद कैंसिल आउट होने के बाद सिक्स बाई टू, सिक्स बाई टू क्या होता है, अच्छा थ्री होता है, ठीक है। आसान है कि नहीं भाई, एक ना डायरेक्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं, एक वो भी मेथड मुझे ध्यान आ रहा है, यदि मेथड थ्री लेते हैं है ना, यदि एस एन ए एन हो या एस एन हो, अल्फा एन माइनस बीटा एन हो या अल्फा एन प्लस बीटा एन हो, दोनों केस में यूज कर सकते हैं। ए एन दिया हुआ है, ए एन क्या दिया हुआ है, अल्फा एन माइनस बीटा एन, तो ये बच्चों एक याद रखना होता है हमें, क्या करना होता है याद रखना होता है कि इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो ए टाइम्स ए एक्स स्क्वायर, इसको हम बोल देते हैं एस एन, चूंकि यहां ए ऑलरेडी यूज है ना, इसको एस एन बोल देते हैं एन ग्रेटर देन वन के लिए, तो ये एक याद रखते हैं ए टाइम्स एस एन प्लस टू प्लस बी एस एन प्लस वन प्लस सी एस एन इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं और एक एस एन नाम का टर्म यानी टर्मिनोलॉजी डिफाइंड है, तो ये सीधे याद रखते हैं, है ना, ए के साथ दो ज्यादा होगा सी के साथ वो कम होगा, ठीक है, याद रहेगा ना। नाउ अब यहां पर इन दिस क्वेश्चन हमें बताना क्या है, देखो हमें बताना है 10 है 8 है और 9 है, 10 है 8 है और 9 है, और a दिया हुआ है 1, a दिया हुआ है 1, b दिया हुआ है माइनस 6, c दिया हुआ है माइनस 2, तो यहां हम पुट कर लेते हैं, तो a है 1, a है 1 और s n के जगह पर पुट कर लो कितना, देखो जब n 8 रखेंगे तभी ना ये 9 और ये 10 आएगा, है ना, तो वो भी रख लेते हैं, एंड मतलब हमें ना कंपेयर करना है, एंड पुट n इज इक्वल टू 8, तो यहां से ये वाला क्या हो जाएगा क्वेश्चन, a तो 1 है तो 1 इंटू a 10, b तो 6 है माइनस 6 इंटू a 9, और प्लस c तो माइनस 2 है 2 इंटू a 8, यही हो जाएगा ना,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? एकदम हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है एज इट इज, उस पर डेटा पुट कर देना है। तो ये क्या आ गया, वन इंटू कुछ भी, तो कुछ भी ए टेन आ गया, माइनस टू ए एट आ गया, दिस इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स ए नाइन आ गया। आया ना? इसका मतलब हमें जो निकालना था वो एक ही लाइन में आ गया ना, टू टाइम्स ए नाइन निकालना था, टू ए नाइन से डिवाइड कर दिया, आंसर थ्री आ गया। तो ये देखो तीसरा मेथड है, यानी एक ही क्वेश्चन जो कि जेई मेन में भी आया हुआ है, जेई एडवांस में भी आया हुआ था, उसके तीन मेथड्स हैं। यानी कोई भी मेथड दिए हुए टाइम में टाइम बचाने के लिए हम लगा सकते हैं। आपको तो एक ही मेथड करना है, ज्यादा तो करना नहीं है, आसान है ना बच्चों? तो ये हमें बड़ा आसान होता है रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स करने में। क्लियर है? याद रहेगा तो ज्यादातर क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ही कर रहे हैं, और यही अच्छे क्वेश्चंस में से आते हैं। ठीक है, जैसे इस पर बेस्ड एक अब आप लोग के लिए क्या होगा, होमवर्क। इसमें करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है बच्चों। इसमें आपको क्या करना है, ए एंड बी बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसके ए और बी रूट्स हैं, दोज ऑफ इसके रूट्स है सी और डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसको आप चाहो तो होमवर्क में भी कर सकते हो। बाकी इसका बड़ा आसान क्या है कंसेप्ट, एक्स स्क्वायर माइनस टेन सी एक्स माइनस इलेवन डी इज इक्वल टू जीरो है, रूट्स हैं ए और बी। तो रूट्स जैसे ही ए और बी है तो हमारे पास रिश्ते क्या हो गए, ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन सी और ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस इलेवन डी। ठीक, फिर ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस टेन ए एक्स माइनस इलेवन बी इज इक्वल टू जीरो है, इसके रूट से सी और डी। तो यहां से c प्लस डी आ गया हमारे पास 10a और c इंटू डी आ गया माइनस इलेवन बी। अब हमारे पास चार इक्वेशन है, वन टू थ्री फोर, जो एडिशन होता है वो एडिशन होता है, मतलब उसमें एडिशन लगाते हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसमें प्रोडक्ट लगाते हैं, ये नेचुरल लॉ है ना, एडिशन में प्रोडक्ट ये सब नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, अब देखो यहां से a प्लस बी प्लस सी यानी वन और थ्री को, फ्रॉम वन प्लस थ्री, वन और थ्री को कर दो ऐड, आ गया ना ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही हमें चाहिए, एंड दैट इज इक्वल टू टेन ऑफ सी प्लस ए यानी ए प्लस सी, यही हमें चाहिए, दिस वी हैव टू फाइंड, ए प्लस सी, ए प्लस सी ही हमें चाहिए। ठीक, और उसके लिए सारा मेथड्स दिया गया है, प्रोडक्ट करेंगे फ्रॉम टू इंटू फोर, तो वो कर लोगे, From 2 into 4 क्या हो जाएगा, a into b into c into d है ना, this is equal to 121 b into d यानी a into c is equal to 121। ये एक नया इक्वेशन आ गया। अब इसमें दिमाग क्या लगाना है, a प्लस सी आपको चाहिए, a into c दिया हुआ है, तो a प्लस सी a into c से तो नहीं आएगा बच्चों, यानी a और c पर रहना है, a और c पर रहना। तो इसके आगे नाउ आफ्टर वर्ड है ना, जस्ट ट्राई इट। उम्मीद है क्योंकि ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, आईआईटी में आया हुआ है, आराम से हो जाएगा, एकदम सिमेट्रिकल डेटा आते हैं, आप चाहो तो इसको अटेम्प्ट करके कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट ट्राई इट, एंड क्या कहां भेजना है भाई, अपने जो भी अपना अभी वीडियो आएगा उसके नीचे पोस्ट करना है आंसर है ना, एंड पोस्ट द आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये इसमें बस ये बेसिक मेथड था वो हमने बता दिया, बस एक लाइन सोचना है ए और सी, एक लाइन सोचना है ए और सी, और इसमें वो वाला मेथड यूज होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मेथड्स टू यूज किया था, वो देखना दोबारा रिवाइंड करके कि क्या यूज किया था, और अदरवाइज अभी किए थे तो याद होगा आपको। ठीक ठीक है, ओके।
नाउ अब देखो एक और देख लेते हैं इसमें, ये एक क्वेश्चन है कॉमन रूट्स के। वैसे कॉमन रूट्स के भी क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट बहुत आसान है बच्चों। जब भी कॉमन रूट्स हमें लेना है, एक कंसेप्ट ये है कि सीधे फॉर्मूला याद रख लो, लेकिन फॉर्मूला बहुत लेंदी है। a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो पता है फॉर्मूला क्या है, कंडीशन फॉर ए कॉमन रूट, बहुत लेंदी है। a1 c2 - a2 c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 - b2 c1 इंटू a1 b2 - a2 b1, मंत्र जैसा लग रहा है ना, लेकिन लेंदी है। हमारी तो मजबूरी होती है, पैसे मिलते हैं इसलिए याद रखना है, लेकिन आज तक ये यूज होता नहीं है बच्चों किसी एग्जाम में, बिना इसके ही आप कर सकते हो। करना क्या है, लेटेस्ट सपोज कॉमन रूट इज अल्फा, जैसे ही कॉमन रूट का क्वेश्चन हो अल्फा ले लो, और वहां से अल्फा इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर आएगा और उसमें पुट कर लेना, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट अल्फा बी कॉमन रूट। अल्फा क्या है बच्चों, कॉमन रूट, एकदम मेथड से निकाल रहे हैं, अदरवाइज चाहो तो कंडीशन भी रख सकते हो या रट सकते हो या याद रख सकते हो। चलो फिर से बोल देता हूं, c1a2 - c2a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1b2 - a2b1 इंटू b1c2 - b2c1, मंत्र जैसा लग रहा है ना, टफ है, याद होते नहीं है भाई, दो तीन लाइन तक तो ठीक है, मतलब ये इतना लंबा लंबा मंत्र कहां याद रहेगा भाई। अल्फा भी कॉमन रूट है, अल्फा उससे अच्छा तो ये मेथड है, अल्फा यदि कॉमन रूट है तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, ये है, और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी, अब हम दोनों को माइनस कर दिए, इन दोनों को माइनस करने से 1 है 2 है, तो 1 और 2 को माइनस करने से क्या आ गया, फ्रॉम अल्फा निकाल लिया करो, ठीक है, 1 - 2, अल्फा कितना आ गया भाई माइनस करने से, देख तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया कट, b - 1 है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू उधर चला गया, तो 1 + b / b - 1 आ गया बच्चों, 1 + b / b - 1, थोड़ा सा ज्यादा अलग लग रहा है ना, b + 1 / b - 1। नाउ पुट, यही हमें पुट करना है, पुट अल्फा इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां आ जाएंगे, 1 में रख दो या 2 में भी रख सकते हो, चलो 2 में रख देते हैं, है ना, ठीक लग रहा है ना, वैसे 1 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन इक्वेशन 2 रख देते हैं चेंज के लिए। अल्फा स्क्वायर यानी b + 1 / b - 1 का होल स्क्वायर प्लस b + 1 / b - 1 और प्लस b है 0 ना, तो यहां से देखो b + 1, इन दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्व करते हैं, एक साथ नहीं सोल्व करते हैं, या एक साथ भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसमें, एक साथ यदि सोल्व कर देते हैं तो b + 1 का होल स्क्वायर, ठीक, b + 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या जाएगा, b + 1 * b - 1 आ जाएगा, ये बेसिकली ना सोल्व करने के लिए ही क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ये कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि कंसेप्ट में ज्यादा तो खत्म हो गया, कॉमन रूट हम निकाल के रख दिए, बस मामला खत्म हो गया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, b² + 2b + 1 + b² - 1 + b - 2b² + b, यही है ना, हमने b - 1 का होल स्क्वायर लिखा, b² - 2b + 1 और b से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो b³ - 2b + b हो गया। अब देखो यहां से क्या आ गया हमारे पास, देखो b² से b² तो मुझे लग रहा है ना, b² + b² - 2b² कट गया, और -1 से +1 कट गया, देखो कितना आसान आ गया,
है ना, थोड़ा सा जैसे ही क्यूबिक आता है ना इसमें, इस क्वेश्चन में जो मैं ऑफलाइन में ये क्वेश्चन करवाता था या जो सोल्व करने के लिए देते थे, उसमें ज्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे तुरंत आंसर बता देते थे, ज्यादातर बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते थे, बाकी और इसमें कुछ नहीं है बच्चों। बी क्यूब प्लस थ्री बी इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से बी कॉमन, बी स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से बी इज इक्वल टू जीरो होगा, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री है, तो बी इज इक्वल टू आई रूट थ्री होगा, प्लस में और माइनस में होगा ना, माइनस थ्री का मतलब थ्री आई स्क्वायर यानी रूट थ्री आई, तो प्लस माइनस यानी जो इस ऑप्शन में है, देन इस ऑप्शन में माइनस आई रूट थ्री है, क्लियर है। तो ये आपका जो आज हमने किया है, ये बेसिकली क्या किया है बच्चों, बेसिकली आज हमने क्या किया है, केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स पर कुछ अच्छे क्वेश्चन किए हैं, और एक क्वेश्चन जो कि अच्छा ही कहलाता है कॉमन रूट्स का, वो हमने कर लिया है। तो आज का लेक्चर जो हमारा है प्रॉब्लम सेशन वन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, आज केवल क्या किए हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स। अब हम कल क्या करेंगे, कल के लेक्चर में हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, लोकेशन ऑफ रूट्स के भी एक दो प्यारे क्वेश्चन आएंगे, और कुछ कुछ पॉलिनोमियल के जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पर चलते हैं वो भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के लिए बाय बाय, ओके, स्टडी करते रहो, थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।